लेटेस्ट अपडेट्स के लिए अल्ट्रा चैनल्स को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। अरे राजा सुन तो। अरे पर बात क्या है राजा, तू इतना चुप चुप क्यों है? कहीं तुझे बहुत ज्यादा मारवार तो नहीं लगी ना? दिल पर भारी चोट आई है यार, दिखा अंदर का जख्म अंदर का। डॉक्टर के पास चले? नहीं यार, इसका इलाज तो वही कर सकता है जिसने जख्म दिया है। कौन? अरे वही सुबह वाली। कौन? चश्मे वाली? अरे नहीं यार, वही तेज वाली, नमकीन वाली, नटखट वाली। राजा, ए राजा, अरे तू यहाँ सो रहा है, वहां तेरा कोई मिलने को आया यार, जल्दी चल, जल्दी चल। फिर किसको अपन की जरूरत आन पड़ी यार? मुझे जरूरत है तुम्हारी, 6 महीनों की। मैं तुमसे कोई गलत काम नहीं करवाऊंगा। राजा करेगा भी नहीं सेठ। ओ भैया, हम ऐसे लोग भी नहीं हैं। तुम्हें बस 6 महीनों के लिए मेरे साथ रहना होगा, जैसे मैं चाहूं। खाना पीना सोना कपड़े लत्ते सभी कुछ हम देंगे, और साथ में एक बहुत बड़ी कीमत भी मिलेगी जो तुम चाहो। लाख रुपए हैं पेश की। कम है? वीके सेठ, राजा तो दिल का राजा, उससे पैसों से मत डराओ। हाँ, जिस दिन सौदा पूरा होगा उस दिन वो पेश की अपना हक समझ कर मांगेगा, तब तक उसे सोचने का वक्त दो। खुदा हाफिज, नमस्ते, गुड बाय। अरे रुक रुक यार, एक प्लेट भजिया, 4 पाव और टिप। हाँ बेटा, टिप देने का। चला आजकल बिजू, ये साले गरीब लोग, इनकी इज्जत की अकल कभी नहीं जाती है। राजा, राजा अपना वो छोटू, राजा वो अपना छोटू है, छोटू उसका एक्सीडेंट हो गया है। डॉक्टर साहब, करीना इसका ऑपरेशन फिर। इसके लिए आपको 50,000 रुपए डिपॉजिट रखना पड़ेगा। लेकिन डॉक्टर साहब, इतने पैसे हम लाएंगे कहाँ से? सॉरी, मैं कुछ नहीं कर सकता। डॉक्टर साहब, सेठ, मुझे तुम्हारा सौदा मंजूर है सेठ। सोचने में ज्यादा वक्त नहीं लगाया था। मुझे जल्दी से 1 लाख रुपया दे दो, मुझे सख्त जरूरत है। लगता है कोई मजबूरी आन पड़ी। मैं कल आकर आपसे बात करता हूँ सेठ। हाँ। ये लो डॉक्टर, 1 लाख रुपए। छोटों के इलाज में किसी भी चीज की कमी नहीं होनी चाहिए। ठीक है, ये पैसा आप काउंटर पे जमा करा दो। हरिया। हाँ। आने वाले अगले 15 दिनों में मैं इस लड़के को बिल्कुल बदल देना चाहता हूं। कुछ ऐसा कर यार कि बस्ती का राजा सबके सपनों का राजकुमार बन जाए, इसकी परछाई भी इसे पहचान न सके।
भाई साहब आप नमस्ते। आपने तो बिल्कुल नजर आना ही बंद कर दिया। भाभी जी मैं तो उम्मीद करता था कि ये शायद मुझे फोन करेगा, बुलाएगा, मनाएगा मुझे, या उम्मीद तो मैं भी यही करता था। आपने लगता है ये शर्त बहुत सीरियसली ली है। हाँ भाभी ये शर्त तो सीरियसली ली है और ये शर्त मैं जीतूंगा सर। ये ख्याल तो निकाल दे अपने मन से। बस आप दोनों अब दोबारा शुरू मत हो जाइएगा। जब वक्त आएगा कोई जीत लेना हार लेना। ओके आप बैठिए ना मैं चाय लाती हूँ। नहीं भाभी जी चाय की कोई जरूरत नहीं। दरअसल मैं आप दोनों को कल के लिए इनवाइट करने आया हूँ। कल शाम मैंने टर्फ क्लब में एक पार्टी रखी। पार्टी किस खुशी में? सरप्राइज। कहीं शर्त तो नहीं जीत रहा तू? लेट्स सी लेट्स सी। एनीवे आप दोनों जरूर आइएगा। और सुन किरण बेटी को आना भूलना मत। कम ऑन। इस शरमसादे ने पता नहीं पार्टी क्यों दी है। हेलो मैडम। मेरा तो दिल घबरा रहा है कहीं ये कोई नया झटका ना ले। दोस्तों आज शाम हम सब यहाँ इसलिए इकट्ठे हुए हैं क्योंकि आज मैं आप सबको किसी से मिलाना चाहता हूँ, मेरे अजीज प्यारे इकलौते भांजे राजकुमार से। वो आज ही लंदन से यहाँ आया है। करोड़ों का वारिस है, दुनिया भर में कारोबार है उसका, और अब वो यहीं रहेगा हिंदुस्तान में हम सबके पास। राजकुमार सरामजादे ने पांसा फेंक ही दिया। तुम ठीक कहते हो सोनू डाली। पानी डाल दिया हमारे दाल चावल में। ओ हाय हाय ओए अंकल। नमस्ते अंकल। और बेटा कैसा लगा हिंदुस्तान? बहुत अच्छा। अब तो यहीं रहोगे तुम? अरे भाई राजकुमार। हां एक्सक्यूज मी अंकल। हां या श्योर। कैसा लगा? ऊंची नस्ल, अच्छा खानदान। ए बेटा ए बेटा हेलो हाय। ये लड़की तो शट अप विल यू। जल्दी से ये गन साफ कर। ओके राजकुमार थोली तेरी उठे। मैंने तिदल पहले भी देखा है। अबे दिलन शायद ही तो मैंने पहले भी तिदल देखा है। शट अप। मैम साहब ये सुस्त बीमार बंदर आपका है? How dare you? ये तो मैं बंदर दिखाई देता है, ये मेरा डॉगी है। नहीं नहीं आप गलत समझ रही हैं। मैं इस डॉगी की नहीं मैं उसकी बात कर रहा हूँ जिसकी गोद में ये डॉगी है। यानी मिली? तो शायद मैंने तुम्हें पहले भी तितल देता है यार। मैंने भी देता है। तितल? सोचने दो। हाँ सोच। की तबीयत बहुत खराब है, गोलियां लिख दी हैं, दो सुबह दो शाम को दो रात को दे देना। नाश्ते में कॉर्नफ्लेक्स खिचड़ी, लंच में डिनर में वेजिटेबल सूप दे देना। चलो डॉक्टर साहब अच्छा अच्छा क्या करते हो? अच्छा अच्छा तू दवाई ले लो ना। डॉक्टर साहब तू तो ठीक हो जाएगा ना? हाँ। ज्यादा चोट नहीं लगी है ना? नहीं नहीं। कैंसर तो नहीं हुआ है ना? ना। एड्स? नहीं नहीं। अरे रे रे रे।
बहुत बेरहमी से मारा, जिसने भी मारा है। तुटी, तुटी। आपकी तारीफ। आई एम राजकुमार। आई एम दिलीप कुमार। साइड। हेलो आंटी। हेलो बेटा। अरे आओ बेटे, कल तुम्हें बहुत बुरा लगा होगा ना। सॉरी, तुम्हारी पार्टी का मजा ही किरकिरा हो गया। नहीं आंटी, इसमें आप इतना बुरा क्यों मानती हैं? वो तो कुत्ता ही बदतमीज था। Hey you, बदतमीज मेरा जॉगी नहीं, बदतमीज तुम हो। किरण, बेटा तमीज से बात करो। तमीज? तमीज तो इन्हें सीखनी चाहिए जो बिन बुलाए किसी के भी घर में आ जाते हैं। देखिए, आप बिना बात पे बुरा मान रही हैं। मैं तो यहाँ इसलिए आया था कि मुझे पता चला कि आपके कुत्ते की तबीयत जरा नाजुक है। शट अप, एक लफ्ज भी और निकाला तो नौकर से धक्के देकर बाहर निकलवा दूंगी। होश में आओ किरण। जस्ट लीव अस अलोन एंड गेट आउट ऑफ हियर। किरण। आंटी, ये फूल आपके लिए और आपके कुत्ते के लिए। थैंक यू बेबी। बाय आंटी। बाय अंकल। ए सुनो, ये लो अपना फूल, किसी गरीब की कब्र पर चढ़ा देना। सुनो करोड़ी मल जी, सिर्फ एक महीने की और बात है, वहां मेरे बेटे डड्डू ने विक्रम सिंह की बेटी से शादी की और यहां आप लोगों के हाथ में रकम दुगनी सूद के साथ। अगर एक महीने के अंदर हमारा कर्जा आपने नहीं चुकाया तो तुम्हारे हाथ से ये बिस्की का गिलास और तुम्हारी बीवी के हाथ से जिन का गिलास छीन लेंगे हम, समझे? चलिए। अब क्या होगा डाली? कुछ नहीं होगा, तुम आराम से जिन पियो, इन भूतों से मैं निपट लूंगा। चीयर्स। चीयर्स।